तो दोस्तों आज हो गया 7 मार्च 2022, यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। चली फाफड़ खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भाजपा को त्रिपुरा में बड़ा झटका लगा है। पार्टी के दो विधायक सुदीप रॉय बर्मन और आशीष कुमार साह ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने पार्टी भी छोड़ दी है। दोनों ही नेता इस्तीफा देने के बाद दिल्ली जा रहे हैं। इन दोनों ही नेताओं की कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत करेंगे। पीएम मोदी इन दोनों नेताओं से युद्ध को लेकर पहले भी बात कर चुके हैं। 24 फरवरी को रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने के बाद 26 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली बार जेलेंस्की से बात की थी। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ मतदान में भारत के भाग लेने के बाद जेलेंस्की और मोदी की बातचीत हुई। जेलेंस्की ने इस दौरान भारत के राजनीतिक समर्थन की मांग की थी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा है कि असम में कई जिहादी आतंकी मॉड्यूल अभी भी सक्रिय हैं और राज्य पुलिस इन आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने के लिए काम कर रही है। इससे पहले शनिवार को असम पुलिस ने भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा से संबंध बांग्लादेश के एक महत्वपूर्ण जिहादी संगठन से जुड़े एक बांग्लादेशी नागरिक सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश में सोमवार को 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग हो रही है। मतदान की शुरुआत से ही हर चरण की तरह एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने शिकायतों की भरमार लगा दी है। दरअसल आपको बता दें कि चंदौली में एक बूथ पर साइकिल निशान वाले बटन पर किसी ने फेविक्विक डाल दिया, जिससे मतदान कुछ देर तक बाधित रहा। सपा ने ट्विटर के जरिए इसकी शिकायत की है। वहीं चंदौली पुलिस की ओर से बताया गया है कि मतदान दोबारा शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 7वें चरण के मतदान के बीच समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने रूस यूक्रेन में जारी युद्ध के दौरान भारत सरकार द्वारा भारतीयों की निकासी को लेकर कहा है कि वाराणसी में चुनाव की वजह से ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ना जाने कौन से अंतर्राष्ट्रीय पहचान का दावा करती है। केंद्र सरकार यूक्रेन से भारतीयों को रेस्क्यू करने में असफल रही। अगर उन्होंने भारतीयों को सीधे यूक्रेन से रेस्क्यू किया होता तो मैं इसकी तारीफ भी करता। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि जनता इस बार डबल इंजन की सरकार की पटरियों को उखाड़ने के लिए तैयार है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि 300 सीट सपा गठबंधन जीत रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम वोट की परवाह नहीं करते। वोट किसी को भी दे, यह आपका व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन हमने किसी धर्म और समुदाय की उपेक्षा नहीं की है। समाज सुधार अभियान के तहत रविवार को मधेपुरा पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हर तबके के लोग एकजुट होकर समाज को आगे बढ़ाएं। गड़बड़ी करने वालों से सचेत रहे, सबों के सहयोग से ही बिहार आगे बढ़ेगा और देश की तरक्की में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को सपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है। ट्विटर पर जानकारी देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आजमगढ़ शहर में उनके प्रत्याशी गुड्डू जमाली पर सपा के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर जानकारी दी है कि सपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार की रात करीब 1:30 बजे आजमगढ़ के मोहल्ला कोर्ट चौराहे में उनके पार्टी के प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली पर हमला किया है। ये हमलावर नशे की हालत में थे। हमले में शाह आलम के 2 साथी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि शाह आलम पूरी तरह से सुरक्षित है। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी के बौखलाहट की शिकार हो गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि वे गोलियों और लाठियों से डरने वाले नहीं हैं। हमने तो लगभग 7-8 लोगों को नामजद किया है और 40-50 लोग थे, उनको हम सबको पहचानते नहीं है सर। ये जो मुअज्जम मामा है, किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? समाजवादी पार्टी के लोग हैं यहाँ, कैसी बातें आप लोग हैं? जुड़े नहीं है, ये उनके रजिस्टर्ड गुंडे हैं। ये कहीं इनके ये है जफर इकबाल, जफर आजमी और ये वो क्या नाम उसका आजम, ये सब एक नंबर के हिस्ट्री सीटर असफर, ये सब एक नंबर के हिस्ट्री सीटर गुंडे हैं। इनके नाम संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज है, अपराध करना इनका पेशा है, दे आर प्रोफेशनल क्रिमिनल। ये कहीं कहीं अबू हाशिम से भी करीबी हैं? 100%। हम एक बात बता दें, हम शरीफ आदमी, हो सकता कल मेरी हत्या हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जनता तक पहुँचा दीजिए कि मैं ये अब मुझे इस बात का शक है कि हो सकता है कल मेरी हत्या भी हो जाए, मेरे साथ कोई, मगर मैं रुकने वाला नहीं। डेमोक्रेसी में लड़ाई लड़ना हम लोगों का हक है। चाहता है कि अपराधी तत्व तो हमारी आवाज़ को दबाना चाहता है इस तरह से, तो हम मर तो सकते हैं क्योंकि मौत तो आना ही है, लेकिन रुकेंगे नहीं। ओवैसी साहब से आपने कहा है कोई पार्टी स्टैंड ले रही है? मैंने उनको बताया है, क्योंकि अभी मैं पूरी विस्तार से मेरी बात नहीं हुई, गंभीरता से उन्होंने सुना। उन्होंने कहा भाई साहब हम इसको देखते हैं, वो भी बड़ा सत्य में आ गए, ऐसा कैसे हो गया।
फिर अभी मैं बात करूंगा दोबारा, क्योंकि भीड़ बहुत रहती है, प्रेशर। अब आप देखिए, ये लोग जानबूझ के कल पोलिंग होना है, मैं प्रत्याशी हूँ, हम लोगों को भी सब काम करने होते, इन्होंने जानबूझ के ये प्लान करके मुझे डिस्टर्ब किया ये, ताकि मैं ये आज 12 बजे तक मैं बैठा हूँ, पुलिस की तहरीर चल रही है, आपसे बात कर रहा हूँ, सारे लोग अपना काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। इस घटना के पीछे कोई साजिश है या आपको डराने और धमकाने की जो कोशिश? 100% ये साजिश है, बल्कि मैं ये मानता हूँ कि मेरी हत्या की साजिश है। इनको ये लगता है, समाजवादियों को, कि मेरे MIM में आने से इनकी जड़ें हिल गई हैं आजमगढ़, जो इनकी दादागिरी थी, जो इनका तुष्टिकरण की राजनीति हिंदू मुसलमान करके वोट लेने की, उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज ने इनको अंगूठा दिखा दिया, इनकी औकात समझ में आ गई हर सीटों पर, तो अब इनको कुछ नहीं चलता, तो वो सोचते हैं गुड्डू जमाली के हो, मार दो तो मार दो, हम कोई डरते तो नहीं है तुमसे, मौत तो आनी ही है, हम जानते हैं मौत आनी, और हम इनसे डरते भी नहीं हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये बात जनता जाने और इनके असली चेहरे को पहचाने। आप किसी की दाढ़ी पकड़ के कहेंगे कि तुम अगर सपा को नहीं दोगे भाजपा आके तुम्हारी दाढ़ी काटेगी, तो भाजपा जो कर रही है वो अपनी जगह पे है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? तो मारपीट भी आपके पक्ष में, कितने लोग घायल हैं मतलब आपके? तो भाई अब्दुल्ला से मारपीट हुई, बराबरी की बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी, अब दरी बिछाने की बात नहीं होगी, नहीं होगी। और फिर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से पूछा गया, जो आपके MP हैं, उनसे मीडिया के लोगों ने पूछा, बताइए हिजाब और निकाब पर आपका क्या बोलना है, हिजाब और निकाब पर क्या बोलना है? मुबारकपुर है, जामतुल अशरफिया है, बाबुल इल्म है, अहियाल उलूम है, अब मैं उनके जिम्मेदारों पर छोड़ता हूं। अखिलेश से पूछा गया हिजाब और निकाब के बारे में बोलो, तो अखिलेश यादव ने, जिसको आपने अपने वोट से उसको यहां का सांसद बनाया, उन्होंने कहा मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। जब मीडिया के लोगों ने पूछा बताओ मुस्लिम वोट, बोले वो क्या है, हम अखिलेश यादव साहब को मुबारकपुर से, आजमगढ़ से, हम कह रहे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी वालों, जो तुमने नहीं सुना, जो तुमने अपने कानों में उंगलियां लगा ली, वो ओवैसी सुन लिया, और ओवैसी पुकार रहा है कि जब तक दुनिया बाकी रहेगी हम टोपी पहनेंगे, हिजाब पहनेंगे, नकाब पहनेंगे, दाढ़ी छोड़ेंगे, कोई भाई का लाल हमको नहीं रोक सकता इंशाअल्लाह ताला।